सीवान का लाइफलाइन कहे जाने वाला दाहा नदी पुल पर वाहनों का आवागमन कुछ ही दिनों में शुरू होने की उम्मीद है। क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मति के कार्य के बाद आज टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। अभी करीब 40 टन के लोडेड वाहन का परिचालन कर टेस्ट किया जा रहा है। बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड के अधिकारी टेस्टिंग में बारीकी की जांच कर रहे हैं ताकि आगे किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पुल निगम के अधिकारी दो दिन में डीएम के साथ बैठक कर जांच रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा पुल पर वाहनों का आवागमन शुरू करना है या नहीं। वहीं पुल निगम के अधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि फरवरी माह के इस पुल में वाहनों का सुचारू रूप से आवागमन शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि 10 अगस्त को पहली बार इस पुल के पिलर में दरार देखने को मिली थी। पुल में दरार आने की खबर से जिला प्रशासन सख्त में आ गया और आनन फानन में वैकल्पिक व्यवस्था देते हुए पुल पर सभी प्रकार के वाहनों का आवाजाही बंद कर दी थी। हालांकि रोक के बावजूद भी इस पुल पर पैदल यात्रियों का आवागमन जारी था। और क्या जानना चाहते हैं? जानना चाह रहे हैं सर, कब से शुरुआत होगी और ट्रायल जो चल रहा है ये क्या कुछ चल रहा है? बुध बीएफएम में मीटिंग होगी, एक डीएम महोदय साहब के साथ मीटिंग है, हमारे कार्यपालक अभियंता पुल निर्माण के भी कार्यपालक अभियंता रहेंगे। उस वक्त डिसाइड होगा क्या हमारा टेस्टिंग का रिपोर्ट है, उस वक्त डिसाइड होगा क्या खोला जाए। तो ये रिपोर्ट आप लोग कब तक सौंप देंगे? बुध बीएफएम में मीटिंग है, वो रिपोर्ट में मीटिंग के समय में रिपोर्ट रहेगा कि हमारी इंस्पेक्शन क्या हो रहा है, कितने फीट से चेक किया जा रहा है? 44 120 टन है, अभी तो 44 टन का दिया जा रहा है। अभी दो गाड़ियों का कर रहे हैं, तीन गाड़ियों का है, स्टैटिक करेंगे, मूविंग करेंगे, स्टैटिक करने के बाद हम रिजल्ट पे डिसाइड करेंगे। तो सर क्या माना जाए कि जिस तरीके से जो डेट एक निर्धारित है ठीक रखिए, पॉजिटिव नहीं होगा यहाँ पे, क्या अब माना जाए कि अब सीवान की जो परेशानी थी वो परेशानियाँ दूर हो जाएंगी? परेशानी लगभग दूर होने वाली है। 28 को डीएम महोदय साहब के साथ मीटिंग होगी, जो पुल निगम की नहीं है, आरसीडी की नहीं है, सब बैठेंगे, किस तरह से काम किया जाए जी मीटिंग के बाद डिसाइड। कौन कौन सी गाड़ियाँ सर चलेगी इस पे, बड़े वाहन? पुल निगम के इंजीनियर बता रहे थे कि हेवी व्हीकल का आवागमन नहीं रहेगा, फोर व्हीलर वगैरह सब चलेगा। फोर व्हीलर चलेंगे? हाँ, ये सब चलेंगे। परमानेंट हाइट गेट लगाने का लोग अभी ट्रायल चल रहा है क्या? अरे हम उन लोग से लीजिए।